तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम राकेश जी के साथ एडवांस एक्सेल की बेसिक टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हम होम मेनू बार के अंदर हम पेस्ट स्पेशल एंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो राकेश जी बस शुरू करते हैं बस कुछ सेकेंड्स में। तो यूट्यूब जो वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं जो लोग, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में अगर आपको पूरी सीक्वेंस वीडियो चाहिए तो मेरा मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। मोबाइल ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो राकेश जी हम बात कर रहे हैं कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल की। अब बोलेंगे कि ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हम तो मोस्टली यूज करते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि हमें यूज नहीं आता है, लेकिन अगर आप उसके बारे में जान जाए तो उसको बेटर यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा डेटा मैं बना रहा हूँ। अब छोटा डेटा इसलिए बना रहा हूँ कि छोटे डेटा पे आपको इफेक्ट जल्दी समझ में आएगा कि क्या इफेक्ट हुआ। बड़े डेटा में थोड़ा सा इफेक्ट समझने में टाइम लगता है। और मैं हमेशा रैंड बिटवीन फॉर्मूले का इस्तेमाल करता हूँ रैंडम डेटा लेने के लिए, ठीक है। और रैंड बिटवीन हमेशा जो है चेंज होते रहता है। तो एक छोटा सा डेटा हमने बना लिया। अब जैसे कि इसमें देखिए हमारा रैंड बिटवीन का फॉर्मूला भी लगा हुआ है, हमने नॉर्मल प्लस भी किया और डेटा भी किया। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम कहीं पेस्ट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो पेस्ट करने के लिए जैसा हमने कॉपी किया सेम हमने वैसा ही पेस्ट किया, कोई चेंजिंग नहीं, कोई किसी तरह की चीज़ें नहीं, सेम टू सेम। लेकिन हमारे पास एक पेस्ट स्पेशल, जो कि यहाँ जब इस पे एरो निशान पे क्लिक करेंगे तो ये सारे बटन्स भी हैं और यहाँ पेस्ट स्पेशल भी है। तो पेस्ट स्पेशल हमें अलाउ करता है कि जहाँ से हमने कॉपी किया है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट करना है। हमें पूरी की पूरी डेटा को नहीं, वहां से एक पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट करना है, राइट सर? हाँ अब इस पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट करने में क्या करना है, सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने ऑल कर दिया यहाँ पे तो ऑल पेस्ट होगा, अगर आपने फॉर्मूला कर दिया तो आपका फॉर्मूला पेस्ट होगा। अब वैल्यू चेंज हो गई, इस पे घबराइए मत, क्योंकि रैंड बिटवीन फॉर्मूला हर बार अपना नंबर चेंज करता है। ओके अब यहाँ पे आप चीजें देख रहे हैं। अब कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर नेम में पूजा में कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं, तो फिर यहाँ इसने ऐसा पेस्ट क्यों किया? तो पेस्ट एज ए फॉर्मूला का मतलब होता है कि जो मेनू बार के अंदर, मतलब जो आपको फॉर्मूला बार के अंदर जो विजुअल है उसको कॉपी करता है। नॉर्मल डेटा है तो नॉर्मल डेटा को कॉपी करेगा, अगर इसके अंदर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करेगा, अगर इसके अंदर किसी तरह का कोई फॉर्मेटिंग है, कोई कमेंट्स हैं, उन सबको स्किप कर देता है। तो सिर्फ मेनू फॉर्मूला मेवार के अंदर जो भी चीज़ें विजुअल होती है सिर्फ उसी को कॉपी पेस्ट करता है। समझ गए राकेश जी, ओके कोई डाउट इसमें? नहीं। अब दूसरा ऑप्शन आता है पेस्ट एज ए वैल्यू। पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू। अब पेस्ट एज ए वैल्यू क्या करता है कि फॉर्मूला को रिमूव करके पेस्ट करता है। जैसे 3252 दिख रहा है ना, इसको पेस्ट करेगा यहाँ पे, देखिए राइट। मतलब कि उसने फॉर्मूला, इसके अंदर फॉर्मूला नहीं, जो नॉर्मल हम लोग टाइपिंग करते हैं ना, वो नॉर्मल टाइपिंग वाला डेटा को ही पेस्ट करेगा, ठीक है सर? ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि हमारा जो यहाँ मार्क्स आपको दिख रहा है ना सर मार्क्स, अब मुझे क्या करना है कि इसी के इसमें इसका फॉर्मूला रिमूव करना है। मतलब मुझे कॉपी करके किसी और लोकेशन पे नहीं ले जाना है, हमारा लोकेशन फिक्स है, मुझे इसी के ऊपर इसको कॉपी पेस्ट करना है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए वैल्यू कर देंगे। मतलब आप कॉपी कीजिए और उसी के ऊपर पेस्ट कर दीजिए तो आपका फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा, राइट सर? ये अच्छा, फॉर्मूला यहाँ रिमूव किए तो वहाँ कॉलम सी में चेंजेस हो गया क्यों? तो मैंने क्या बोला आपको कि जब भी कुछ एक्सेल पे करेंगे रहन बिटवीन अपना फॉर्मूला चेंज कर, अपना वैल्यू चेंज करता है, तो इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है? अच्छा, रहन बिटवीन की नहीं प्रॉपर्टी मुझे यही लगा कि होती है। फर्स्ट टाइम ही करता होगा, लेकिन ये अभी पता चला कि
एक्सेल में बार कुछ भी कुछ करेंगे तो ही मतलब चेंज कीजिएगा करेगा। आप, डबल क्लिक करके यहाँ पे, डबल क्लिक करके एंट्री मारिए ना, तो चेंज करेगा एवरी टाइम, वैल्यू चेंज करेगा। एवरी टाइम चेंज करेगा। ठीक है, तो इसको फिलहाल इग्नोर कीजिए। बट इसका यूज क्या यूज है, ऐसे चेंज नहीं सैंपल करता है डेटा तो। बनाने में, जैसे आप रिपोर्ट ऑटोमेशन कर रहे हैं तो आपको हर तरह के डेटा पे अपना रिपोर्ट को चेक करना होगा ना, अच्छा, रैंडम डाटा चेक करने के लिए। इसका यूज करते हैं। और इसका यूज मैंने अपने एक और भी किया था, एक ओटीपी टाइप का फाइल पासवर्ड बनाने के लिए, कि एवरी टाइम मेरा फाइल का पासवर्ड चेंज हो और वो मेल पे आए। एक हाईली सिक्योर फाइल थी, इसका पासवर्ड हर बार चेंज होना चाहिए था, तो हमने वीवी प्रोग्रामिंग से किया था, और इसमें रैन बिटवीन का ही हमने इस्तेमाल किया था, क्योंकि रैन बिटवीन एवरी टाइम मुझे नया नंबर देता है, इसका कोई पैटर्न नहीं है। ओके अब जैसे कि मेरे पास कोई रिपोर्ट है, अब यहाँ पे मैं एक रिपोर्ट ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डैशबोर्ड 4 ही मान लीजिए ओपन कर लिया, राइट। अब डैशबोर्ड 4 जो आप देख रहे हैं, इस पे हमने बहुत सारे बटन्स, बहुत सारे फॉर्मूलेज का इस्तेमाल किया हुआ है, क्या सर? तो ओके चार्ट्स भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मुझे इसको किसी को भेजना है, बट इस पूरी की पूरी मेरे इस डेटा से लिंक है, समझ रहे सर? मुझे किसी को भेजना है बट पूरी पूरी की डाटा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी ये चार्ट मुझे किसी को भेजना है, ये जो ठीक रिपोर्ट है मुझे किसी को भेजना है, बट मेरा जो रिपोर्ट है मेरे इस डेटा फाइल, डेटा शीट से लिंक है, और डेटा करेक्ट, शीट जो है हमारा बहुत बड़ा है या सेंसिटिव है, मैं डेटा भेजना नहीं चाहता। ओके थोड़ा मेरी वॉइस क्लियर आ रही ना आपको? ऐसा है, स्लो दिख रहा है आपको? सा कम आ रहा था इसलिए हल्का ओके, पहले से ठीक कम। है, ठीक है, मैं अब तेज बोलना शुरू कर देता हूँ। तो पहले से हमारे पास जो डेटा है, ये डेटा सेंसिटिव है या डेटा हमारा काफी ज्यादा बड़ा डेटा है, सो मैं डेटा नहीं भेजना चाहता, तो हम क्या करेंगे, ओके पूरी की पूरी शीट को कॉपी करेंगे। कैसे करेंगे? जस्ट शीट पे आइए, राइट क्लिक कीजिए, मूव एंड कॉपी। शीट के ऊपर क्या करना है, राइट मूव एंड क्लिक, कॉपी। हाँ, क्रिएट कॉपी पे क्लिक कीजिए, और एक नई फाइल ऊपर से चूज कर लीजिए, जहाँ पे आपका खुद का फाइल नेम आएगा, जो फाइल ओपन उसी का नाम आ रहा है, उसमें आपको न्यू वर्कबुक ले लीजिए। इस पूरी फाइल को वो मूव कर देगा एक अलग फाइल से, बुक टू पे। बट प्रॉब्लम यही है कि यह भी फॉर्मूले से लिंक है। अब मेरे पास तो सारी रिपोर्ट, सारी चीजें दिख रही है, क्योंकि मेरे पास मेरा फाइल ओपन है जहां से कनेक्टेड है, बट अगर ओके मैंने आपको भेजा, आपके पास तो ये फाइल होगी नहीं रही डैशबोर्ड 4 की, तो आप जो है इसका इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे ना। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी रिपोर्ट का जो हमारा फॉर्मूला है वो रिमूव हो जाए, पर प्रॉब्लम इज दैट कि इसमें सिर्फ फॉर्मूले नहीं है, इसमें हमारे से मर्ज किया हुआ सेल भी है, इस पे हमारा चार्ट्स भी है, इसमें मेरा ये देखिए ये स्पार्क लाइन भी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं ना सर। तो मैं चाहता हूं कि एक-एक करके कॉपी पेस्ट नहीं चाहता हूं, तो आपको कुछ नहीं करना है, ए और वन के ऊपर दिख रहा है आपको, इसके बीच में जो हाँ ट्रायंगल है ना, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपकी पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी, या फिर आप इसको 2 बार कंट्रोल ए भी कर सकते हैं। ओके अब कॉपी कीजिए और इसी के ऊपर राइट क्लिक, पेस्ट एज ए वैल्यू कर दीजिए, एकदम आंख बंद करके, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। जैसे आप ओके करेंगे, आप देखेंगे कि आपका किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं, कोई फॉर्मेटिंग हिला नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ओके फॉर्मूला गायब हो गया आपका। ठीक है, हाँ फॉर्मूला गायब हो गया सर। हाँ हाँ तो किसी भी रिपोर्ट से हम फॉर्मूला को रिमूव करने के लिए पेस्ट एज ए वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? और चार्ट्स वगैरह भी चेंज नहीं होगा, एज इज रह जी हाँ, जाएगा। वैल्यू करेगा ना, चार्ट सौ लेगा ही नहीं ऑब्जेक्ट, जैसे पेस्ट एज हमने वैल्यू कर दिया, तो ऑब्जेक्ट, फॉर्मूला, फॉर्मेटिंग, हर चीज को रिमूव करके वो पेस्ट करता है। ओके ठीक है, अब छोटे मोटे चीज हैं, जैसे राइट क्लिक करके हमने पेस्ट स्पेशल किया, और यहाँ पे पेस्ट एज ए फॉर्मेट है, ये फॉर्मेटिंग को पेस्ट करता है। हम कमेंट, जैसे मान लीजिए इस पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है, तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे न्यू कमेंट, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कि दिस इज फाइनल मार्क्स,
और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब जैसे कर्सर कोई लेके जाएगा उसको दिखेगा दिस इज ए फाइनल मार्क्स। अब ये सेम चीज हम कहीं और कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं, सिर्फ मैं कमेंट्स पेस्ट करना चाहते हैं, तो राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हम क्या लेंगे, कमेंट्स एंड नोट्स। तो सिर्फ कमेंट्स को इसने पेस्ट किया। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में मान लीजिए मैंने ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर किया तो सब कुछ आएगा, बॉर्डर नहीं आएगा। ओके अब इसमें एक चीज और होता है, अभी आपने रिपोर्ट देखा था उसमें हमने क्या किया था, कॉलम की साइज को अपने हिसाब से अरेंज कर रखा, सेट कर रखा था, ऐसे मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है ताकि एक एक पेज पे प्रिंट हो, एक पेज पे विजुअल हो, इस हिसाब से मैंने सेट कर दिया। लेकिन जैसे मैं इसको कॉपी करके किसी भी शीट पे, किसी अनदर शीट पे मैं पेस्ट करूंगा, तो आप देखेंगे कि मेरा फॉर्मेट गायब हो गया, मैं सॉरी मेरी जो कॉलम विड्थ है वो पेस्ट नहीं हुई, मुझे यहाँ वापस सेट करना होगा। देखिए जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपकी कॉलम की जो विड्थ है वो विड्थ पेस्ट नहीं होती है, आप कॉलम की विड्थ को पेस्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और इसमें आपको करना है यहां पे कॉलम विड्थ। ओके ओके लेकिन ध्यान रखिएगा कि कॉलम विड्थ सिर्फ कॉलम की विड्थ पेस्ट करता है ना कि डेटा। डेटा आपको मैनुअल पेस्ट करना पड़ेगा, या फिर आप लेटेस्ट एक्सेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहां पे आइकन, इस आइकन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका डेटा और कॉलम विड्थ दोनों पेस्ट हो। ठीक अब जैसे डेटा में हमारे पास डेट्स भी होते हैं, राइट डेट भी है, तो जब आप डेट को पेस्ट करते हैं, जैसे आज की डेट है 15/9, तो डेट को पेस्ट करते हैं, पेस्ट जैसे वैल्यू करते हैं तो क्या होता है सर, कोई किया आपने ट्राई डेट को एज अ वैल्यू? जी हाँ, चेंज हो जाता है ना वो, क्या होता है, चार डिजिट में आ जाता है। चार डिजिट में तो नहीं आता होगा सर, इस तरह का आता होगा नंबर्स। हाँ हाँ नंबर्स में आ जाता है। पांच नंबर्स क्या है पता है आपको? नंबर्स हिडन फॉर्मेट में है डेट का, और क्या है ना, नहीं इसको ऐसे मत समझिए, ये है नंबर ऑफ डेज। जब आप डेट लिखते हैं तो सिस्टम जो है नंबर ऑफ डेज में स्टोर करता है, जैसे आज का दिन इसने लिखा, हमने टाइप किया 15 सितंबर, तो इसने काउंट किया कि कंप्यूटर का कैलेंडर जब से स्टार्ट हुआ है और जो 15 सितंबर है तब तक टोटल डेज कितने हुए। कंप्यूटर कब से स्टार्ट हुआ है मतलब? कंप्यूटर कैलेंडर कब से स्टार्ट हुआ है, तो कंप्यूटर मतलब लैपटॉप का जब से सेटअप हुआ। नहीं, 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 नहीं। कंप्यूटर कैलेंडर जब से आपका जो ये होता है ना कंप्यूटर कैलेंडर, इसमें देखेंगे तो क्या लग रहा है, सब दिन का कैलेंडर थोड़ी दिखाएगा आपको ये, अच्छा, सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ है। नहीं नहीं, नहीं समझ रहे, आपका जो आपका कंप्यूटर का जो कैलेंडर है उसका सबसे स्टार्टिंग डेट है 1 जनवरी 1900, उस दिन से लेके आज तक, समझ गए। तो इसलिए ऐसा नहीं है जब से स्टार्ट हुआ, वो बड़ी बात नहीं है, आपके इसमें सेट किया गया है, विंडोज में स्टार्टिंग डेट सेट किया गया है। ओके समझ गए ना, इसका मतलब है कि एक्सेल में आप अगर पुराना डेट डाल, जैसे मैंने डाल दिया 18 मई 1875, तो इसको डेट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, इसको टेक्स्ट रिकॉग्नाइज करेगा। ओके तो आपका जो कैलेंडर स्टार्ट होता है आपके कंप्यूटर का वो होता है 1 जनवरी 1900 से, जो जो डेट होता है वो नंबर ऑफ डेज होता है यहाँ से। आप किसी ने बोल दिया साबित करो, तो कैसे साबित करेंगे आप, तो डेट चेंज करेंगे तो नंबर चेंज होगा। वन लिखिए, आपने यहाँ पे वन लिखिए और इसके ऊपर हम दे देते हैं अपना डेट, तो दिख रहा है सर, एक दिन मतलब 1 जनवरी 1900, हमने यहाँ पे 32 डाल दिया तो देखिए फरवरी आ गया, मंथ चेंज हो गया, 367 डाल देता हूँ, ईयर चेंज हो गया करेक्ट, ऐसे 4554 कर दिया तो ये आपका 15 सितंबर हो गया।
अब क्वेश्चन आता है कि प्रोग्रामर ने ऐसा झमेला किया क्यों? तो देखिए, प्रोग्रामर ने झमेला करने के रीजन है कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट के साथ, अगर किसी भी नंबर के साथ अगर टेक्स्ट इंक्लूड कर देते हैं, तो उसके ऊपर आप किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है? करेक्ट। लेकिन हम डेट पे तो टेक्स्ट है, फिर हम कर कैसे रहे हैं? तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो डेट आपका दिख रहा है वो सिर्फ विजुअल में डेट दिख रहा है, एक्चुअल में तो नंबर है ना, और कैलकुलेट होकर वो एक्चुअल नंबर ही आ रहा है। जब इसके ऊपर हम डेट का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो डेट के फॉर्मेट के अंदर सेटिंग होती है कि 28, 29, 30 दिन के बाद मंथ चेंज करो, 365, 366 दिन के बाद ईयर चेंज करो और एक डेट फॉर्मेट दे दो, ठीक है सर? ओके। तो जब हम कॉपी करके पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं यहाँ पे, तो पेस्ट एज ए वैल्यू को बोला गया है रिमूव ऑल फॉर्मेट्स, और डेट भी एक तरह की फॉर्मेट है इसलिए उसको भी रिमूव कर देता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें वापस जहां हमने पेस्ट किया है उस एरिया को सिलेक्ट करके डेट का फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ता है, राइट? और सिर्फ डेट की फॉर्मेट ही नहीं, आपकी जैसे डॉलर का साइन लगा है, रुपीज का साइन लगा है, या कॉमा लगा हुआ है, या किसी तरह का फ्रैक्शंस लगा हुआ है, तो जो भी नंबर की जो फॉर्मेटिंग होती है वो नंबर की फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देता है। लेकिन आपको स्क्रीन स्क्रीन रुक गया सर, नहीं कुछ कर नहीं रहा हूं, बस समझा अच्छा रहा हूं। ठीक। तो आपको जो है, मान लीजिए कि आपको जो है नंबर की फॉर्मेट चाहिए, मतलब कि आपके डेट्स, आपके टाइम, आपके कॉमा, डॉलर, रुपीज, इस तरह के फॉर्मेटिंग है वो रहना चाहिए, बाकी फॉर्मेटिंग रिमूव होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि जब आपको फॉर्मूला यूज कर रहे हो या वैल्यू यूज कर रहे हो, तो इसके जगह पे फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट एंड वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट करेंगे तो क्या होगा, आपकी बाकी जो फॉर्मेटिंग्स हैं वो बाकी फॉर्मेटिंग्स नहीं शो करेंगे, सिर्फ आपका नंबर की फॉर्मेटिंग शो करेगा। और नंबर की फॉर्मेटिंग इन द सेंस कि जब राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल करते हैं तो जो नंबर की फॉर्मेटिंग आती है ना, ये सारी फॉर्मेटिंग को स्टोर रखेगा। समझ गए? ओके। कोई डाउट इसमें? नहीं, कोई डाउट नहीं। चले, तो पेस्ट स्पेशल का फर्स्ट स्टेज हमारा क्लियर हुआ। अब सेकेंड स्टेज पे आते हैं। सेकेंड स्टेज में जैसे हमें यहाँ पे 20 है और यहाँ पे हमने 30 लिखा हुआ है, राइट? हाँ। तो 20 को कॉपी किया और 30 पे पेस्ट कर दिया, तो क्या होगा, 30 रिप्लेस बाय 20, राइट? 20 लिखा, इधर फिर से बताएं। मैं 20 को 30 पे पेस्ट करूंगा तो क्या होगा, 30 20 से रिप्लेस हो जाएगा ना? हाँ, 20 से रिप्लेस हो जाएगा, 20 बन जाएगा। हाँ, लेकिन जब पेस्ट स्पेशल में हमारे पास एक पार्ट होता है ऑपरेशन का, ठीक है? ऑपरेशन वाले सेक्शन में हमारे पास तकरीबन चार होते हैं, नन मतलब किसी तरह की कोई कैलकुलेशन नहीं। अगर आपने ऐड कर दिया तो जहां पे कॉपी हो रहा है और जहां पे पेस्ट हो रहा है उनके बीच में एडिशन होगा और रिजल्ट आपका पेस्ट हो जाएगा। ओके। ऐसे ऐसे मान लीजिए कि मैंने इसको कॉपी किया और राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे अगर मैंने मान लीजिए कि मल्टीप्लाई सेलेक्ट किया तो उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा और जहाँ पे पेस्ट होना है वहाँ पे 50 आपका, सॉरी 50 के जगह पे जो उसका मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट है वो पेस्ट हो जाएगा। ओके। उसी तरह से आपका ये आपका सब्ट्रैक्ट है, माइनस हो जाएगा, डिवाइड है, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर। क्लियर सर? क्लियर। अब इसमें आगे हम बात करते हैं कि इसमें आपका बेनिफिट क्या है इसका। अब ये आपके रिसर्च का टॉपिक है, तो आपको इस पे रिसर्च करके मुझे बताना है कि सर इस फीचर का ऑफिस में हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, ये एक एग्जांपल जिससे हमारा इस तरह का बेनिफिट है। फिर मैं अपना एक दो एग्जांपल बताऊंगा कि इसका मेरे हिसाब से बेनिफिट होना चाहिए।
ऑपरेशन ऑपरेशंस का। जी हाँ। ओके तो आप जो है 24 घंटे का टाइम है, 24 घंटे में आपको ये बताना है मुझे कि आखिर इसका बेनिफिट क्या है। उसमें तो सिर्फ सबसेक्शन एडिशनल मल्टीप्लिकेशन ही हाँ करना है यार। सर, वो तो हमने बताया कि उसका यूज क्या हो रहा है, मतलब कैसे हाँ उसके अप्लाई होते हैं, लेकिन आप उसके रिसर्च करें, पता कीजिए कि इसको कहाँ यूज करेंगे। अच्छा ठीक है ओके। हम ये बोल रहे हैं आपको ना सर, हमने आपको समझाया कि इस फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, ठीक है ओके ना, क्या रिजल्ट देता है, लेकिन इतना जानना जरूरी नहीं ना है, हमें ये चीज को भी तो जानना है ना कि आखिर इसका बेनिफिट्स क्या है। ठीक है। अगर हम इसकी बेनिफिट्स को नहीं जानेंगे तो यूजलेस हो जाएगा ना हमारे लिए, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ दिया है तो यूजलेस तो होगा नहीं, प्रोग्रामर ने कुछ सोच समझ के प्रोग्राम बनाया होगा, करेक्ट करेक्ट। क्योंकि उसका माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्रामर ऐसे उठा कुछ लिख दिया वाला बात तो नहीं है, क्योंकि इस पे कई टीम काम किए होंगे, कई टीम इसके बारे में पहले सोचे समझे होंगे तब बना होगा ना सर, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसी एक का बना हुआ तो नहीं ना है सर, करेक्ट एक करेक्ट। टीम का बना हुआ है, कंपनी का बना हुआ है, और माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। तो इस पे आप बात कीजिए, फिर मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, ठीक है।